वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मीशा नाना कामरान एंड यू आर वॉचिंग माई डेली ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मजे में होंगे। तो रूम में मैं बैठी हुई थी, मुझे बड़ी आवाज़ें आ रही थी भाई बारिश होने की। अभी मैं बाहर आई हूँ और क्या खूबसूरत जो है मौसम हुआ हुआ है, बारिश हो रही है। चेक करें, बारिश जो है सही किस्म की हुई हुई है। और ये मौसम चेक करें आप लोग। यस, कम हियर, कम आइजल। और माशाल्लाह से ऊपर जो सोलर का काम चल रहा था वो भी सारा कंप्लीट हो चुका है। कम बेबी कम, बेबी कम। तो आइजल को मैंने अभी ब्रेकफास्ट कराना है और आज का सीन कुछ ऐसे है कि मैंने जाना है इफ्तार बूफे पे, मैंने और कामरान ने, हम दोनों ने साथ जाना है। तो आइजल को भी नाश्ता कराती हूँ, उसके कपड़े चेंज करती हूँ और छोटे मोटे जो काम है वो जल्दी जल्दी से निपटा के रेडी होकर आप लोगों से फिर मिलती हूँ। तो फाइनली रेडी हो गई हूँ और अब जा रहे हैं इफ्तारी करने। और ये मैंने ड्रेस पहनी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। डोर क्लोज करते हैं जल्दी 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 जल्दी। पहुँच गए हैं अलकरम मार्ग के अंदर जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जो पहुंच गई हूँ अंदर, मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ मेन्यू की, इनके पास मेन्यू क्या क्या है और सारा चेक करें। कर रही हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो ना? मैं फिट फाट। किधर है? चेक करें कंटेंट क्रिएटर्स वीडियोस बनाते हुए। आप लोगों को मेन्यू दिखाती हूँ कि हमारे पास मेन्यू में क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आ गई फ्राइज हैं, बर्गर्स हैं, ये सैंडविच हैं, कबाब हो गए, चिकन, ये भी कबाब हैं, ये कोई विंग्स हैं, पकोड़े, समोसे और ये स्प्रिंग रोल्स। तो अफ्तारी के लिहाज से सारा जो मेन्यू इनका है वो मतलब अच्छा है। और साथ ही आप लोगों को दिखाते हैं मीठे में कुछ। ये फ्रूट चाट हो गई, दही बल्ले बड़े यार डिलीशियस लग रहे हैं, ये ज़रूर खाने हैं मैंने। और साथ ही आ गए हैं चना चाट। तो अगर आप लोग भी इंजॉय करना चाहते हैं अच्छा सा अफ्तार अपनी फैमिली के साथ तो ज़रूर विज़िट करें। बहुत अच्छी प्लेट आपने बनाई सर, आप खाएँगे? बिल्कुल। स्टार्ट हो गया और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि डिनर में क्या क्या है। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये चेक करें कितनी सेटिस्फाइंग सी लग रही है, बड़ी दाल। और इसके अलावा मैंने सारा मेन्यू देख लिया है बट जो मुझे पसंद आया है ये वाइट सॉस पास्ता, साथ में ये मंचूरियन। खुद कंफ्यूज हो गई मैं। ये चाइनीज है सारा, चेक करें। और उस साइड पे सारा देसी लगा हुआ है खाना। अब उधर नहीं जाते, इधर ही ठीक है। और इधर आओ। हेलो, और मारिया से मिले। ये है मेरी प्लेट चाइनीज और कामरान जो है वो देसी खा रहे हैं, मारिया भी कुछ खा रही है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार इवेंट से एकदम से घर पे कैसे पहुंच गई। तो इवेंट के फ़ौरन बाद हम निकले हैं, गाड़ी में बैठते साथ ही सो गई थी, घर पहुंची हूँ और घर आते साथ ही मैंने चेंज किया और फिर मैं जो हूँ सो गई। और अभी मैं उठी हूँ, इस टाइम हो रहे हैं 3-2 घंटे अभी हैं शहरी में। तो मैं उठी थी, मैंने शॉवर वगैरह लिया है और मैं अभी अपने लिए जो है ब्लैक कॉफ़ी बनाने लगी हूँ। ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी और उसके बाद थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तब तक जो है शहरी का टाइम भी हो जाएगा। फिर नाश्ता वगैरह, नाश्ता कह रही हूँ, फिर सहरी बनाते हैं और फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे वो अगले व्लॉग में। तो अभी मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी और ये मैंने अपने लिए पानी, ये मैंने ग्लास में पानी डाल के रखा है, इसको करते हैं गर्म।
तो इवेंट जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। और उनका जो बूफे था उसमें भी काफ़ी वैरायटी थी, 60 डिशेस थी और बहुत अच्छी थी। उनकी जो उनका प्राइस है वो है 3000 समथिंग पर पर्सन है। अच्छा टेस्ट था, अच्छा लगा। मैंने चाइनीज़ ट्राई किया था, देसी मैंने इतना कोई ख़ास ट्राई नहीं किया, तो ऐसे ही सीन है। और अब कल जो है मैंने अफ्तारी बनानी है, तो मैं आप लोगों को भी साथ साथ दिखाऊंगी कि मैं अफ्तारी कैसे बनाती हूँ। और ये मेरी पहली अफ्तारी होगी जो सारा कुछ मैं ख़ुद बनाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।